말하고 싶어 줄 느끼고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나나 싶어 이어폰을 꼈어 보면 전화 받던 우주 비행하고 싶어 멀미약을 삼켜 Hello guys and welcome or welcome back to my channel. My name is Ravina. So, वैसे तो मुझे ये इंट्रो वीडियो सुबह शूट करना था बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली इंडिया बट क्योंकि मैं सुबह बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही थी ऊपर से इट वॉज लाइक फर्स्ट टाइम मुझे रास्ता भी नहीं पता था कहाँ कैसे क्या जाना है तो आई वॉज गेटिंग वेरी लेट और जल्दबाजी में फिर मैं भूल गई मैं वीडियो शूट करना तो इसीलिए मैंने सोचा कोई नहीं क्या हो गया हम वापस आके घर पे फिर शूट कर लेंगे तो फिर अब मैं वापस आई हूँ घर पे ठीक है इसके बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़ोर से भूख लग रही है और इससे पहले मैं आपको बताती हूँ आज अपने एक्सपीरियंस के बारे में वहाँ की जगह के बारे में कि कैसा है कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया और उन सब चीज़ों के बारे में और आपको दिखाऊंगी भी क्योंकि मैं वहाँ पे शूट भी करके लेके आई हूँ ओके सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो Cross the river to the futuristic Nonmyeongjin fish market, where the skillful vendors. Here, look. This is Seoul. Seoul travel. Seoul. The leafy glades are in playful sculptures at Yongsan Park. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 형제 진행형 같아. सारे ही BTS बहुत फैन है ना वो 22 बता रहे हैं अपने अपने और अभी हम आए थे एग्जीबिशन देखने के लिए कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया में सिंथेसिस के नाम से लिखा हुआ है एंड वी आर लविंग इट बहुत ही अच्छा काम है बहुत ही ज़्यादा आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया हम जितने भी बच्चे थे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फॉर द बिगनर्स बैच हम सभी को चार अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था एंड आई वाज इन बैच सी और हमारे जो टीचर हैं वो एक कोरियन मेल टीचर हैं बाकी सबकी फीमेल टीचर्स हैं और सर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं और बहुत ही ज़्यादा फनी फ्रैंक और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं सो इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम मीटिंग अ कोरियन लाइक प्रॉपर कोरियन
person. So बहुत ही ज़्यादा मज़े आए. उसके अलावा उन्होंने हमें videos दिखाई about Seoul, Busan. उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया, अपने experiences के बारे में बताया, उनका experience क्या है India के बारे में वो बताया, what he thinks of India वो बताया. उसके अलावा हमें आज मौका मिला कि जितने भी बच्चे हैं आपस में हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे की फ्रेंड्स बनने के लिए. तो मेरी भी कुछ फ्रेंड्स बनी हैं जो कि आप वीडियोज़ में देख सकते हैं. उसके अलावा येस, इट वॉज वेरी नाइस. बहुत ही ऐसे फ्रेंडली सा माहौल था वहाँ पर. सारे एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे. एवरी वन वॉज वेरी फ्रैंक. एंड आई रियली होप कि आगे हमारा जितना भी टाइम है इस कोर्स के लिए वो बहुत ही अच्छा जाए. और मैं आप लोगों को बताती रहूँगी साथ साथ कि हमने क्या चीज़ें करी हैं. जो भी नई चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को शो करूँगी वहाँ पे. तो जितने भी लोग हैं जिनको कोरियन लैंग्वेज बहुत पसंद है, कोरियन कल्चर बहुत पसंद है, या फिर जानना चाहते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं कि व्हाट इज़ कोरियन कल्चर, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल. क्योंकि मैं अब आगे आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ डालती रहूँगी अबाउट कोरियन कल्चर, या फिर जो भी हम कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया में सीखेंगे. इट इज़ रियली फन. इट इज़ अ मिनी कोरिया इन इंडिया. बहुत ही सुंदर जगह है वो. सो आज हमें मिली है हमारी बुक्स फर्स्ट डे पे. सो दीज आर टू बुक्स जो कि हमें मिली है. दीज आर सेजोंग कोरियन 1 एंड सेजोंग कोरियन 2. और उसके अलावा हमें मिली है वर्क बुक्स जो कि हमारी प्रैक्टिस के लिए हैं. अगेन सेम, वर्क बुक 1 एंड वर्क बुक 2. सो हम इस सेमेस्टर के अंदर हम वर्क बुक 1 कम्प्लीट करेंगे. यानी हम जो सेजोंग कोरियन 1 जो है हमारी बुक, ठीक है, ये वाली बुक, ये हम कंप्लीट पूरा करेंगे इस पूरे सेमेस्टर के अंदर. और फिर उसके बाद में हमारा एग्ज़ाम होगा और फिर हमारा सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा. लेकिन 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 उदास नहीं होना है आप लोगों को. मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को कंटेंट देती रहूँगी कोरियन लैंग्वेज के बारे में. सो प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी. और अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी है, किसी को अगर इंटरेस्ट है कोरियन लैंग्वेज के लिए एनरोल करने के लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन डाउन में बताइए कि आप लोगों की जितने भी क्वेरीज हैं मैं उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर करूँगी. या फिर आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू बैक इन द कॉमेंट सेक्शन. या फिर जो भी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको क्वेरी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा उस चीज़ के बारे में. या फिर आप क्या देखना चाहते हैं आगे मेरे चैनल के ऊपर, क्या आप लोगों की फीडबैक से, प्लीज़ डू लेट मी नो. क्योंकि इस तरीके से मुझे भी हेल्प होती रहेगी अपने चैनल पे थोड़ा सा अलग कंटेंट डालने में, या फिर मैं जान पाऊँगी कि मेरी जो ऑडियंस है वो क्या देखना चाहती है. सो इसीलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड प्लीज़ शो योर लव. बाय.